विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 3a इक्वल्स 4b इक्वल्स 6c ये गिवन है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 27√29 ये दोनों गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। तो इसका वैल्यू जो चार ऑप्शन दिया है, फर्स्ट वन इज 3√29, सेकेंड वन इज 81, थर्ड वन इज 87 और फोर्थ वन इज 89। तो इन चारों ऑप्शन में इसका वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट वन गिवन है 3 into a इक्वल्स 4 into b इक्वल्स 6 into c, ठीक है। ये जी गिवन इक्वल्स, सपोज हम इसके इक्वल्स सम कांस्टेंट k करेंगे, वेयर k इज कांस्टेंट। ओके, तो हम यहाँ पर देखो 3a है, यहाँ पर 4b है, यहाँ पर 6c है। तो हम अगर एक 3, 4, 6 का अगर एलसीएम लिया 3, 4 और 6 में, तो एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 से इन तीनों को डिवाइड कर दो, इसको और इसको और इसको, तब ये बनते हैं 3a डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स के, एक बन गया 4b डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स के दूसरा बन गया, और 6c डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स के तीसरा। तो 3a डिवाइडेड बाई 12, 3 1 3, 3 4 12, मतलब ये डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स के, देयरफॉर ये इक्वल्स 4 into k, ये फर्स्ट आ गया। तो हमें ए और बी और सी सबका अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, 4 यहाँ पर कट कर दो, 4 1 4 3 0, तो बी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स के बनते हैं, तो बी इक्वल्स 3 times k। और यहाँ पर 6 1 6, 6 2 12, तो सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स के, देयरफॉर सी इक्वल्स 2 times k। हमें मिल गया ए बी सी तीनों का वैल्यू अलग अलग मिल गया। तो हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 27√29, तो वो वहाँ पर अगर गया है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 27√29, ओके। तो ए का वैल्यू वहाँ 4k है, 4k रखेंगे, प्लस बी का वैल्यू है 3k, 3k यहाँ पर पुट करेंगे, सी इज 2k, 2k पुट करेंगे, इक्वल्स 27 times √29, दैट्स राइट। तो 4k प्लस 3k प्लस 2k कितना आते हैं, 4 3 7 9, यानी 9k इज इक्वल्स टू 27√29। तो ये हमें k वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 9 से अगर डिवाइड किया, ये दोनों कट हो जाएगा, के इक्वल्स 9 1 9, 9 3 0 27, मतलब 3√29। हमें के का वैल्यू मिल गया 3√29। हम यहाँ पर के नोट डाउन कर लेंगे, 3 into √29। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है a² √x² + b² + c², यहाँ पर ए का वैल्यू भी नोट डाउन कर लेंगे, 4k, बी इक्वल्स 3k, सी इक्वल्स 2k। तो हमें चाहिए √a² + b² + c², इसका वैल्यू चाहिए। तो हमें ए बी सी तीनों हमें मालूम है, तो यहाँ पर खाली ए बी सी का वैल्यू पुट करके हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये इज 4k, तो 4k होल स्क्वायर, 4k होल स्क्वायर प्लस बी इज 3k, 3k होल स्क्वायर प्लस सी इज 2k, 2k होल स्क्वायर, ओके, इक्वल्स स्क्वायर रूट 4k होल स्क्वायर मीन्स 16k² प्लस 9k² प्लस 4k², ओके। तो स्क्वायर रूट ये 29 times k² इसका वैल्यू, ठीक है।
बट के हमें मालूम है के इज 3√29, इसके वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वल्स 29 टाइम्स के इज 3√29, 3√29 के हो गया, यहाँ पर स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर कर दो, तभी इंडिविजुअल 3√29 होल स्क्वेयर है, तो 3 स्क्वेयर एज वेल अलग से और स्क्वेयर रूट 29 होल स्क्वेयर अलग से, मतलब ये 9 इंटू ये दोनों कट हो गया 29, 9 × 29 होते हैं इसका, तो ऑलरेडी 29 तो है ऑलरेडी, तो स्क्वेयर रूट ये क्या बन रही 29 टाइम्स 9 × 29, मतलब यहाँ पर 29 टू टाइम्स है तो इक्वल्स 29 होल स्क्वेयर, ओके 29 टू टाइम्स 29 होल स्क्वेयर किया इंटू ये 9 है इसको 3 स्क्वेयर कर दो, तो ये बनते है ए इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के जैसा है तो ए इंटू बी होल स्क्वायर बन सकते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन सकते हैं इक्वल्स यहाँ पर 29 × 3 होल स्क्वायर होते हैं, तो 29 × 3 होल स्क्वायर मीन्स क्या होते हैं, दिस इक्वल्स स्क्वायर रूट 29 × 3 होल स्क्वायर मीन्स 87 होल स्क्वायर होते हैं, ओके तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर निकल गया तो इसका आंसर 87 रिमेनिंग रहेगा, हमें चाहिए था स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 87, ये हमारा फाइनल आंसर है, और ऑप्शन दिया है 4 3√29 81 87, यानी ये थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, ओके अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।